तो सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग रेडमी नॉट 10 प्रो, तो इस प्रॉब्लम में आपको सीपीयू रिवॉल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सीपीयू को फिक्स कर लेंगे अपने पीसीबी स्टैंड पे। सिल्वर टेप आपको लगा लेनी है, सेफ्टी लेकर के चलना है। इसके बाद इस पे हम सबसे पहले प्री हीट करेंगे और साइड ग्लू को साथ ही साथ कटिंग करेंगे। साइड ग्लू कट करने के लिए हमारा जो टेम्परेचर है 220 से 240 रहेगा, 220 से 240, और उसके बाद हल्का सा फ्लक्स डालेंगे और आईसी को निकालेंगे। निकालने के लिए 280 से 300, 320 तक भी टेम्परेचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई 2008 है तो। ब्लेड आसानी से डालेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारे बॉल निकलेंगे। तो अब इस पर हम फ्लक्स डालेंगे और पीपीडी, यहाँ पे 138 आपको इस्तेमाल करना है, और पेस्ट डाल करके मिक्स कर लेने हैं। और हमारा सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर 320 रखनी है, और टेम्परेचर लो कर लेना है। ध्यान रहे ज़्यादा जो बीट है उसे नीचे की ओर दबाना नहीं है। इसके बाद कॉटन से साफ कर लेनी है। अब हम इसे क्लीन कर लेंगे अच्छे से। अब हमारा टेम्परेचर जो है वो होगा 240, 250 भी आप इस्तेमाल करेंगे, और इसे हम स्क्रैपर ब्लेड की मदद से सभी ग्लू को क्लीन करेंगे। ब्लेड कुछ इस तरह से चलाने हैं कि आपका नीचे ना धंसे, और देखेंगे कि हमारा ग्लू कितना फास्टली निकल रहा है। ये सारी चीज़ आपको हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। अगर आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये सब सारा चीज़ आप उसमें आराम से सीख सकते हैं। दिखने में ये चीज़ भले ही आपको बहुत ही आसान लगे, लेकिन इसके पीछे भी छोटे छोटे ट्रिक होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। साइड वाले सभी ग्लू को ज़रूर से हटाएंगे, तभी आपका आईसी यहाँ अच्छे से बैठ पाएगा। इसके बाद फिर क्लीनर से साफ कर लेनी है। चेक कर लेना है कोई बॉल हमारा मिसिंग नहीं है या डैमेज है, इस चीज के लिए अच्छे से चेक कर लेना है। अब डिसोल्डर वायर से हम इसे क्लीन कर लेंगे। सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर 320 होगा, जिससे जो भी हल्के फुल्के इसमें ग्लू बचे रहेंगे ब्लैक वाली, वो सब सारे निकल जाएंगे। नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे आईसी पे, और आईसी को भी हम क्लीन कर लेंगे। सफाई कर लेंगे। अभी बहुत सारे इसमें बॉल आपको लग रहा होगा कि डैमेज है, तो ऐसी बात नहीं है, उसके ना प्रॉपर निकल जाता है, उसकी जो प्रॉपर पीपीडी है वो बाहर आ जाते हैं, इस वजह से वो लगता है। इस पे अभी हमें 183 पीपीडी और फ्लक्स मिक्स करने हैं। इस पे 138 हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, 183 करेंगे। और सोल्डिंग आयरन से इसे पूरी तरह चला देंगे। इसके लिए सोल्डिंग आयरन की जो बीट है वो पतली रहनी चाहिए, जो कि हर एक बॉल को धीरे से टच कर पाए, ताकि हमारे जितने भी बॉल हैं वो हाइट से शो हो सके।
सभी बॉल को अच्छे से शो करना है, एक भी बॉल छूटनी नहीं चाहिए। अब हम इसे क्लीन करेंगे, ये हमारा सेंटर है एवरीवन। अब हम इसे रिबॉल करेंगे, रिवॉल्विंग के लिए यहाँ पे मैंने सेपरेट स्टेंसिल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यूनिवर्सल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अच्छी तरह से पीपीडी फील करना है, 183 पीपीडी आपको फाइनल रिवॉल्विंग में इस्तेमाल करने हैं। ध्यान रहे कि कोई भी हमारा जो पैड है वो खाली नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ 280 का हीट करेंगे और 3 का एयर होगा, 280 हीट एंड 3 एयर। बॉल हमारा बन चुका है, आईसी को निकालेंगे और क्लीन कर लेंगे। आप चाहें तो दोबारा हल्का सा फ्लक्स देकर के हीट कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम आ गए अपनी पैड पे और इस पैड को हम सफाई कर लेंगे। सफाई अच्छी तरह से करें कि हर एक बॉल हमारा क्लियर दिखना चाहिए, कोई भी बॉल हमारा बंद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको दोबारा मेहनत करना पड़ सकता है। देखिए कुछ कुछ बॉल बंद है, तो इस पे हम हल्का सा पीपीडी और पेस्ट डालेंगे। यहाँ भी हमारा पीपीडी 183 होगा और इसको पूरी पैड में लगाएंगे। लगाने के बाद फिर पतली बीट हमें सोल्डिंग आयरन लेना है, जो माइक्रो बीट है। और हर एक बॉल को टच करना है। हर एक बॉल को टच करने से क्या होता है, वो बॉल हमारा सेंसिटिव हो जाता है। दोबारा जब हम उसको डिसोल्ड करके आईसी फिक्स करेंगे तो हमारा हैंडसेट परफेक्टली है कि वन टाइम में चालू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी बॉल अगर हमारा नहीं जगता है तो फिर कन्फ्यूजन रह सकते हैं, हो ना हो फ़ोन चालू हो जाए, कोई सेक्शन काम करना बंद कर दे। तो इसीलिए हर एक बॉल जगनी चाहिए, इस चीज़ को अच्छे से आपको गौर करना है। इसके लिए अगर आप ज़्यादा हीट सोल्डिंग आयरन इस्तेमाल करेंगे तो और क्विकली होगा थोड़ा सा, बट नो प्रॉब्लम। ज़्यादा हीट में हमारे ट्रैक भी निकलने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे हम उन सभी पिन को ज़्यादा टच में ला रहे हैं या टच कर रहे हैं जिनकी ना नीचे से पैड बिल्कुल हाइड हो जाती है, बंद हो जाती है। उन सारे पिन को हमें ज़्यादातर फोकस करना है। तो मैक्सिमम तो हमारा सारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम इसको डिसोलर वायर से क्लीन करेंगे। अच्छी तरह से देख लेना है कि हमारा हर जगह कनेक्टिविटी हुआ या नहीं हुआ। चेक कर लेना है सभी सही है। अब इसे हम डिसोल्ड कर लेंगे वीक से। वीक की साइज जो है 1.5 mm इस्तेमाल कीजिए, 2.0 mm जो है वो बोर्ड में स्क्रैचेस ज़्यादा लाते हैं, तो इसीलिए 2.0 नहीं 1.5 mm इसका विच होनी चाहिए, जो कि इसका चौलाई होता है। और इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। इससे क्या होगा, हर एक पैड की जो हाइट है वो इक्वल हो जाएगा। अब इस पे हम पेस्ट डाल लेंगे। फ्लक्स पेस्ट इस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है, एकदम इतना ही देना है कि आईसी इसमें अच्छे से कनेक्ट हो जाए। ज़्यादा देंगे आईसी आपकी यहाँ से तैर करके साइड हो जाएगी, दोबारा मेहनत करना पड़ जाएगा, इसलिए फ्लक्स पेस्ट भी आपको लिमिट में रखना है। और आईसी को हम अलाइनमेंट कर लेंगे चारों दोनों नोक पे, इसकी ना कॉपर राउंड एरिया होता है उससे इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से।
अभी हमारा हीट जो है 280 होगा, 280 से 290, और एयर 3.5। फिनिश है, अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए वन टाइम में हमारा फ़ोन रेडी हो गया। अगर आप हर चीज़ को एक शेड्यूल के द्वारा चलेंगे तो आपका फ़ोन वन टाइम में रेडी हो जाएगा। ओके, तो एवरीवन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इसमें हर एक चीज़ को मैंने एक्सपोज किया है ताकि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पाएँ।